सेक्रेटरी न्यू इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है वहाँ हुनु बित्तिकै फर्स्ट भिजिट हो दार्जिलिङ र हामी वी आर भेरी ह्याप्पी कि हाम्रो स्टेट सेक्रेटरी हाम्रो यहाँको क्याडरसँग आज मिटिङ गर्नुभयो र उहाँले यही सिलसिलामा प्रेस ब्रिफ गर्नुहुन्छ। मैं हिंदी में बोलूं? हाँ एकदम ठीक। हमारे पार्टी का सम्मेलन हुआ, ऑल इंडिया हुआ अभी केरल में, उससे पहले स्टेट का हुआ। स्टेट की जिम्मेदारी लेने के बाद मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ, और इस बीच आप जानते हैं बंगाल में सिर्फ पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कुछ ना कुछ हो जाना होता जा रहा है। हंसकली, बकठुई, रामपुरहाट, दोचापचमी, सीरीज ऑफ रेप्स, देन SSC स्टूडेंट्स, पास टीचर्स, उनके ऊपर अटैक्स, हाई कोर्ट्स एक के बाद एक, CBI करप्शन केसेस इन्वॉल्विंग मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स पीपल, रूलिंग पार्टी, फिर कम्युनल वायलेंस का माहौल बनाना, चाहे जहांगीरपुरी हो, बुलडोजर गवर्नमेंट। बट उसके साथ साथ मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक दिन। सो यस्टरडे आई वॉज इन कोचबिहार, बट दार्जिलिंग जिले की जो इनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम, सीरियसनेस ऑफ द इश्यूज, और फिर हिल एंड प्लेन दोनों पार्ट है, तो मैं यहाँ दो रोज़ के लिए, एक दिन दार्जिलिंग हिल और एक दिन हमारा नीचे में प्लेन में सिलीगुड़ी नक्सलबाड़ी, उसीलिए मैं यहाँ आया। तो यहाँ पे हमारा दो एरिया कमेटी पार्टी का, उसके जो जितने मेंबर्स थे हमारे, उन लोगों के साथ मैं थोड़ा एट होम बातचीत किया आज के इश्यूज के बारे में और हमारे फ्यूचर टास्क के बारे में कुछ जायज़ा लिया। हमारे पार्टी के सम्मेलन में जो बातचीत हुए उसका कुछ, उस बारे में कुछ चर्चा हुई, यहाँ के लोगों की जो परेशानी उसके बारे में कुछ बात हुई, और फिर मैं कमेटी समन, हमारे ये भी नए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बने दार्जिलिंग जिले का, तो उन्होंने कहा कमेटी जीवेशदा जो पास डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, कि वंस यू आर देयर इन दार्जिलिंग तो सिर्फ पार्टी के लोगों से बात करने से नहीं होगा, थोड़ा मीडिया से भी इंटरेक्शन होना चाहिए। तो आपके लिए इट्स अ फ्री फॉर यू, यू पुट योर क्वेश्चन व्हाट एवर यू वांट टू, मैं आई एम हियर एक वन बाय वन। यू टेकन चार्ज ऑफ द CPM, ठीक है, सो यू आर रिवाइविंग आल्सो इवन द लास्ट इलेक्शन रिजल्ट आ चाहिए, यू आर स्टार्टिंग टू रिवाइव, राइट? सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आर यू ट्राइंग टू इंडप मोर यूथ फॉर द डे? व्हाट आर योर प्लान्स? इन फैक्ट फ्रॉम रिपोर्ट्स दैट 40% ऑफ द लीडरशिप टू बी यूथ, यू आर चेंजिंग रिपोर्ट, इज इट ट्रू? यू कांट क्वांटिफाई दैट, बट द क्वालिटी वाइज व्हेन आई took responsibility, I was elected as a secretary, the whole process was youth driven, because our task at the moment is to rejuvenate the party, revamp the organization, reposition it, revitalize the movement, and in that case the students and youths who were frustrated, particularly what happened in this state for last one decade or more than so, that no employment avenue, there's corruption wherever some recruitment is there, even for some scheme workers post also are being auctioned. But how do you plan to revive your party? And that's what we discussed and decided. That's not a press conference, it's not, I can't give you an exhaustive list, but it's indicative. It's indicative. If you or your colleagues pay attention to what's happening now, you see the agility of the party, the quick response time on all such issues. Because in this state particularly, utilizing cheat fund, corruption money, and then so-called political bond, electoral bond, corporate money, those who are selling off our national assets, public sectors, and depriving people from their genuine, you know, rights, they did this whole public relation exercise where the rightists, the most reactionary forces, they among themselves divided two roles, and a fake opposition was created, fake opposition, FAKE. In this era of fake news, you have a fake opposition in Bengal,
during last assembly election and last parliament election, and particularly in North Bengal, you can see this in particular, how like a gas balloon, hydrogen balloon, BJP was propped up. In the assembly, there are main opposition. But when these corruption cases are there, starting from cheat fund, when this rape after rape is happening, law and order situation is there, when this economy is in doldrum, there is no investment, where people are suffering, when our women folks are suffering, where is the opposition? There is no government, there is no governance. So naturally, the strategy is that on the field, on the streets, the left must be there. And we are there. And we have to be more and more there. We have to unite people. When there is a divisioning tactics is playing played on the basis of language, religion, caste, sex, gender, people are being divided. At this point of time, we have to unite people. One, to have peace at this moment of disturbances. Security. Security particularly for our women folk, for young women. Every day, even teenagers are not spared in this state. Secondly, economic condition is very bad, be it the country or state. Be it GDP, be it unemployment rate, be it the question of farmers' income, be it the question of even those who are salaried, but even you, can you, yourself, hardly there are journalists who are salaried. We are all contractual, they have changed the whole scenario, paradigm shift. Scheme workers, hire of hire, or just based on your footage or centimeters. So, left has an enormous duty to take up this challenge. And this is what, through our trade union movement, through our Kisan movement, through our youth movement, through our student movement, women's movement, agriculture laborers movement, small entrepreneurs, and all others, even hawkers, those who are at receiving ends, particularly after this lockdown. The people who depended on tourism, the people who depended on transportation, the people who depended on the small business, the people who were daily wage earners, they are at the receiving end. They can't meet their both ends. So that is why now it's a demand for the left, and we are here to organize. We decided, we discussed, and we are now implementing. PPS के बारे में क्या हुआ आज मीटिंग में क्या हुआ PPS आपके डिस्ट्रिक्ट कमिटी में और तो PPS is all about solution no that is 2P there are 2P all these years we used to listen PP means 3P public private partnership all these years we have still listened for two decades be it the central government or state government now we are still listening 2P1S that is permanent political solution. Where is the solution? If you talk about solution, it should be something in sight. I don't think the problem, the complexities, overnight it will be solved. No. Even I can't promise. Nobody can deliver. चुनाव के समय आते हैं बोल सकते हैं डुगडुगी बजा करके हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे अच्छे दिन ले आएंगे काला धन वापस कर देंगे नोटबंदी करके हम सब भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे लेकिन वो सब घोषणाएं होती है हकीकत में तो समस्या का समाधान होना पड़ेगा तो ये अच्छी बात है कि समाधान प्रॉब्लम पॉलिटिकल है सोल्यूशन भी पॉलिटिकल होना चाहिए और वो पर्मानेंट होना चाहिए पर्मानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन का पहला शर्त है कि पॉलिटिकल प्रोसेस अनलिस्ट होना चाहिए डिस्कशन डिबेट इन्वॉल्विंग पीपल लार्जर कम्युनिटीज स्टेक होल्डर्स वेयर इज दैट इवन इन पार्लियामेंट वी डोंट डिस्कस इवन असेंबली वी डोंट डिस्कस Even the all these councils and others is panchayat. You don't have panchayat. They have grassroots level of democracy. So any these days, any political process means it should be participatory in nature. हमारे यहाँ वोट के टाइम में गुंडा बदमाश रुपया पैसा बम बंदूक पिस्तौल की बात की जाती है तो वेयर इज द पार्टिसिपेशन सो दो पी के पहले एक पहला पी लगाना पड़ेगा पार्टिसिपेटरी पोलिटिकल प्रोसेस पार्टिसिपेटरी पोलिटिकल प्रोसेस मीन्स पार्लियामेंट इज द प्लेस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आप बोलो पिछले 7 साल में पार्लियामेंट में कितने बार दार्जिलिंग के प्रॉब्लम लेकर के डिस्कशन हुए कितने आवर्स मिनट्स कितने डेज कितने रेजोल्यूशंस कितने बिल्स प्राइवेट मेंबर ऑफिशियल्स सो दोज हु आर टॉकिंग अबाउट पर्मानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन आर दे यूटिलाइजिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम पार्लियामेंट टू जीटीए यहां के लोकल
हमने पंचायत सिस्टम यहाँ पे जब डीजीएससी हुआ था तो पंचायत सिस्टम के अंदर इसको ले आकर के अलग से यूनिकनेस यहाँ के स्वीकार करके पंचायती राज में यहाँ पे ताकि लोगों को अधिकार मिले, पार्टिसिपेटरी हो, कर किए थे। कहाँ गया जीटीए बना? कहाँ गया इलेक्शन? कहाँ गया पार्टिसिपेशन? कहाँ गया इन्वॉल्वमेंट, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट? तो पीपल्स इन्वॉल्वमेंट के बगैर नोवेयर इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल प्रोसेस कभी भी नहीं हो सकता। वन माइनस पीपल नहीं। सेकेंडली, परमानेंट सोल्यूशन का शर्त है ऑटोनॉमी। होल प्रोसेस स्टार्टेड विथ ऑटोनॉमी। आपका जीटीए का ऑटोनॉमी कहाँ है? आपका म्यूनसिपलिटी का ऑटोनॉमी कहाँ है? आपका पंचायत का ऑटोनॉमी कहाँ है? आपका स्टेट का ऑटोनॉमी कहाँ है? आपका पार्लियामेंट का ऑटोनॉमी कहाँ है? अभी आपका जुडिशियरी का ऑटोनॉमी कहाँ है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग है, आप देखें जुडिशियरी में बोला, जज बोलता है कि हमको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इसी बंगाल में कि मिनिस्टर को बचाने का कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो डिवीजन बेंच से कुछ और हो जाता है। फिर वहाँ पे गुंडा बदमाश को वकील का ड्रेस पहना करके कोर्ट के अंदर, इजलास के अंदर हंगामा हुआ। तो जुडिशियस तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनली ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमस। कश्मीर इज एन एग्जाम्पल, अंडर 370 कॉन्स्टिट्यूशनली ऑटोनॉमी था। What happened during this 1920, 2021, 2022? The example of state's autonomy, not only in India, throughout the world, was Kashmir, Jammu and Kashmir. So those people who are, the Home Minister who is talking about political process, permanent solution, for last three decades, Kashmir ke political solution ki baat kar rahe the hum log. But they thought instead of political solution, it should be administrative, it should be military, it should be security forces.